अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, ये चौक है, कुलडन्ना चौक इसे कहते हैं, और यहाँ से हम लोगों ने अभी लेफ्ट मुड़ना है। सामने बोर्ड भी लगा हुआ है यूपीए नथिया गली का, और यहाँ से हम जो ही लेफ्ट मुड़ेंगे तो ये हम यूपीए नथिया गली यानी एबटाबाद वाली जो रोड है उस पर आ चुके हैं। अब ये सारी रोड आपकी जाएगी यूपीए नथिया गली की तरफ, और ये हम लोग अब अयूबिया नथिया गली की रोड पे आ चुके हैं। अब आगे हमारा ट्रिप जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, और अल्लाह रहम करे बस हम लोग पहुँच जाएँ, दुआ करनी है आप लोग से भी। और ये ना सामने दिखाएं जी, ये है जी आपको बोर्ड जो एबटाबाद नथिया गली और बाड़ियाँ, इसी रोड से आप जाएंगे। नथिया गली यहाँ से 32 किलोमीटर है, एबटाबाद 63 किलोमीटर, और बाड़ियाँ 9 किलोमीटर, और बाड़ियाँ पर ही चेक पोस्ट बनी हुई है आगे 9 किलोमीटर आगे, जो आगे रोकते हैं बंदों को। तो अब देखते हैं हम लोग मैनेज कर पाते हैं नहीं कर पाते, तो चलिए देखेंगे आगे भी। बाकी रोड जो है वो रोड भी ख़राब है, मैं मास्क नीचे कर लेता हूँ क्योंकि मास्क की वजह से मेरी वॉइस जो है वो आप तक शायद पहुँच भी पा रही है। शॉल्स लगी हुई हैं यहाँ पे रोड किनारे, अगर आप जा रहे हैं यूपी नथिया गली की तरफ तो आपको रास्ते में शॉल्स भी मिल जाएंगी। आपको ये नहीं कि वहाँ से तैयारी करके आते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है यहाँ से लेना, तो करके आए मतलब तैयारी, लेकिन अगर ना भी करके लाएँ तो आपको जो है वो चीज़ें मिलेंगी, शॉल्स वगैरह भी यहाँ से आपको मिल जाएंगी अगर आपके पास नहीं है, अगर आप तैयारी करके नहीं है मरी के रास्ते में। लेकिन हाँ, अगर बारिश शुरू हो जाती है तो ये शॉल्स वगैरह आज इतना कुछ नहीं होती है, मैंने साल से डेली शुरू करते हैं, लेकिन हाँ क्या कर सकते हैं यहाँ पे। और ये भी एक थिक एंड क्राउड जो है वो फॉरेस्ट एरिया है ये बाड़ियों वाला जंगल, ये भी काफ़ी गहरा जंगल है जिसका वो हम लोग गए थे हाइकिंग भी गए थे जो कश्मीर अच्छा वो, तो ये भी उसी तरह सही है। नायल अभी हम हैं दरिया गली। अच्छा, इधर हमारा एक दोस्त भी है दरिया गली में। जी जी बिल्कुल, उसे भी जाना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो है थोड़ा सा नॉट फीलिंग वेल, तो जिसकी वजह से वो जा नहीं पाया। दुख से बड़ा है वैसे हमारे जाने पे कि वो नहीं जा, हम लोग जा रहे हैं और वो नहीं जा पाया, दुख तो है उसे, लेकिन कोई मसला नहीं है। चले नेक्स्ट टाइम अगर अल्लाह से देंगे, हो सकता है अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी इस वजह से आप जा नहीं पाए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर जाइएगा। और फिलहाल आप अपनी टैबलेट्स वगैरह लें, अपना खाना वगैरह खाएं, अच्छे तरीके से थोड़ी सी जान शान बनाएं यूपीए जाने के लिए, जान चाहिए होती है बिल्कुल जी, डर छत वो ना हो, तो अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें, और जनेब को भी आपने दुआओं में याद रखना है। तो अल्लाह हाफिज़। और ये देखें जी बिल्कुल सामने पहाड़ हैं, देसी हट एंड गिव रेस्टोरेंट, तो ये देसी रेस्टोरेंट है जी। गेस्ट हाउस समी पैलेस, और यहाँ पे आज यूनियन काउंसिल का दफ्तर भी है।
पीछे छोड़ के आ गए हैं भाई साहब। जी जी बिल्कुल, पीछे आए छोड़ के आ गए हम उसे दफ्तर को। बस करो, ये बाड़िया बाज़ार में हम लोग पहुँच चुके हैं जी। रश है यहाँ पे, ये देखें लाइन लगी हुई है, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। वो सिर्फ इसी वजह से लगी हुई है कि आगे चेक पोस्ट है, और आज आप देख लें इस लाइन काफ़ी दूर तक लाइन है, तो हम लोग बाइक पे आगे ही निकलते हैं। चलो देखते हैं कहाँ तक लाइन लगी हुई है, ये आप देख लें। सिर्फ इस चेक पोस्ट की वजह से लगी हुई है। आई थिंक कि वहाँ पर आज काफ़ी दिक्कत है, लेकिन चलें देखते हैं क्या होता है। जी भी पीछे आ रही है, चलें। हम लोग निकल आए हैं भाई वहाँ से चेक पोस्ट से, इजीली आ गए। मज़े की बात है कि गाड़ियाँ वहाँ से वापस भी जा रही हैं, बहुत कम आगे आ रही हैं, ज़्यादातर वापस जा रही हैं। लेकिन हमें उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, हमें देखते ही उन्होंने छोड़ दिया। क्यों, आई थिंक हमारी थोड़ी सी वो एक लुक भी है हमारी यहाँ की, इस साथ में हम लोग जो है किस वजह से शायद छोड़ दिया या क्या चक्कर हुआ है। लेकिन हमें उन्होंने बिल्कुल नहीं पूछा, हमें फ़ौरन से जाने दिया, तो हम लोग आ गए हैं भाई। और बाकी आने देते नहीं आने देते, इसमें मैं अब कुछ आपको क्लियर लिख नहीं सकता, क्योंकि काफ़ी गाड़ियां वहाँ से वो वापस कर रहे हैं वो। तो आई थिंक जो बाहर की गाड़ियां हैं वो नंबर भी देख सकते हैं, क्योंकि मेरे बाइक का नंबर जो है वो भी लोकल नंबर में लगा हुआ है, तो इस वजह से भी शायद ये मुझे एडवांटेज मिला। और मैं नहीं कह सकता कुछ यार, लेकिन गाड़ियाँ वापस हो रही थी वहाँ पर। लेकिन हम लोग आ चुके हैं आगे, तो आपको अपडेट से मिल रही है कि बाड़िया में चेक पोस्ट है, वहाँ से वापस करें। लेकिन आगे जाएंगे अब यूपिया नथिया गली की तरफ, तो वहाँ पे देखेंगे वहाँ के हालात कैसे हैं, वहाँ पे क्या कंडीशन है और वहाँ पे क्या सूरत हाल है। वैसे बाइक्स काफ़ी आ रहे हैं आई थिंक, लेकिन आगे देखें रोड जो है वो आगे साफ़ है, इसका मतलब है कि गाड़ियाँ वापस हो रही हैं, बहुत कम गाड़ियाँ आ रही हैं। यानी वही ब्रिटिश नंबाद वाली बात है, बहुत कम गाड़ियों को छोड़ें या स्पेशल वन या फिर लोकल जो गाड़ियों उनको छोड़ें आगे। और आज हमारे साथ भी इसी तरह हुआ है, मेरी अपना जो बाइक है वो भी लोकल नंबर में है और हम लोग भी यही गए, तो आई थिंक इस वजह से हमें पूछा नहीं उन्होंने, तो बाकी गाड़ियाँ वहाँ से वापस हो रही थी। तो चले खैर छोड़ दिया है, अब खुशी की बात यह है कि अब हम लोग पहुँच पाएंगे इस तरह का, तो जा रहे हैं और वे हैं, तो इस तरफ दिखाएंगे इनको। ये पहाड़ियाँ आगे दरख्त आ गए हमें, आपने यहाँ से पहाड़ियाँ देखनी है यूपिया नथिया गली की। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये भी चेक करेंगे, लिखा हुआ है जी ड्राइविंग फास्टर कैन कॉज डिजास्टर, ओहो खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी, उन्होंने क्या दिया जी अपनी गलती से। यहाँ पे फास्ट होती कहाँ पर ड्राइविंग, यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है ना स्टीडी पैथ है। लेकिन चले थैंक गॉड कि हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, हम लोग आगे आ गए हैं। लेकिन आगे आगे कोई मसला ना हो, क्योंकि छांगला गली फिर वहाँ पर भी चेक पोस्ट होती है। अल्लाह रहम करे इंशाल्लाह हम लोग चले जाएंगे, आगे पहुँच जाएंगे और जा रहे हैं। और ये है आपके पास लोकेशंस, और ये हैं होटल्स, ढाबे, हट्स, रेस्टोरेंट्स। और ये बहुत यहाँ पे जंगल लगी है यार, क्या बात है, यहाँ पे भी लगाई है जंगल में भी है, किसके लिए लगाई है, आई डोंट नो, कैमरास भी लगे हुए हैं, दैट्स राइट। और ये है वेदर, और आपको जैसे मैं कह रहा था वो धूप खानी ख़त्म हो चुकी है, वो धूप सिर्फ हमारे घर तक ही थी, मरी तक ही थी। जैसे मरी से आगे यूपी नथिया गली की तरफ अगर आप आएंगे, तो अपने साथ जरूर शॉल जैकेट वगैरह जरूर लेके आएंगे। हम लोग तो सिंगल सिंगल शर्ट्स में रेस भाई थे, तो कॉटन का सूट पहना है और ऊपर उसने रेस कोट भी नहीं पहनी, उसकी गर्मी है बहुत ज़्यादा आज। लेकिन देखिए बादल दिखाई दे रहे हैं, बादल भी बने हुए हैं, धूप का नाम निशान भी आप नहीं रहा, तो देखते हैं क्या होता है। दुआ करें सुबह की खिदमत के लिए कोशिश, ओके वो भी ठीक लिख रहे हैं और हमारे सुबह गए बस बारह तक के भीगे ना हम लोग करें, देखते रहे वीडियो आगे आप लोग। ये है जी बाड़ियों से ऊपर आए हम लोग, खरा गली के करीब हैं, और ये वहाँ का व्यू है। ये देखें हम लोग केपी के हज़ारा की तरफ आ गए हैं अब, और ये उस तरफ के व्यू, ये पहाड़ियाँ चोटियाँ बुलंदियाँ ये शुरू हो चुकी हैं। और अच्छा ये लोग भी यहाँ से आ रहे हैं, अब पता नहीं ये कहाँ से थे, आई थिंक कुछ स्पेशल वंस को मैं यहाँ से जा रहे हैं या फिर कुछ प्रोसीजर है जाने दे रहे हैं कुछ। लेकिन हमें तो उधर बहुत से लोगों हमने देखा वहाँ पे वापस किया उन्होंने, तो आई डोंट थिंक सो कि वो आने दे रहे हैं, क्योंकि बहुत कम यहाँ पे देखें ट्रैफिक नहीं है कोई भी। लेकिन व्यू बड़े मज़े मज़े के व्यू बने हुए हैं यहाँ पे,
आगे निकलते हैं जी। हम लोग अभी जो है वो छागला गली क्रॉस करके हैं। हम लोग ये जो जगह है ये छांगला गली है, ये जो है अभी बाज़ार छांगला गली का थोड़ा सा अभी पीछे छोड़ के हैं हम लोग। रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, अब आगे थोड़ी सी सही हुई है क्योंकि छांगला गली से ही आगे जो है ना रोड कंस्ट्रक्ट जो करने वाले हैं वो यहीं पे मशीनें सारी। पीछे बहुत ज़्यादा रोड ख़राब थी तो अब आगे रोड देखते हैं। आगे में हाल से अभी उन्होंने रोड नहीं की, ख़राब थी, रिपेयर हो रही थी, यहाँ से रिपेयर हो चुकी है। तो आगे रोड छांगला गली से आगे रोड ठीक है, रिपेयर हो चुकी है, लेकिन पीछे जितने भी हैं वो सारे उन्होंने जो है ना वो चप्पे चप्पे की जो जगह है वहाँ से उन्होंने रोड को ख़राब किया हुआ है, वहाँ से जो है ना तो उनकी ठीक करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे। बाकी ये छांगला गली है, ये छांगला गली का व्यू है आपके सामने है और बड़ी ही ज़बरदस्त जगह है ये। वो ऊपर बैठने वाली जगह बहुत फिट है, चेयर से हमारे पास टाइम बहुत कम है वरना हम यहाँ पर बैठेंगे और टाइम बचा तो वापसी में इंशाल्लाह बैठेंगे। बहुत ही मज़े की जगह बनी हुई है, छोटा सा ढाबा भी बना हुआ है यहाँ पर और जिस तरह की जगह थी यहाँ पर बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट बनना चाहिए तो नहीं बना, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि ख्वाहिश पे दम निकले और क्या था, बहुत निकले अरमा मेरे पर कम निकले, तो अरमा सारे कहाँ पूरे होते हैं। तो छांगला गली हम लोग क्रॉस करते हैं, हम लोग जो है वो छांगला गली से थोड़ा ही आगे हैं और एक टॉप पे हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू होता है। अक्सर लोग आप मेरे पीछे देखें, फ्रेंड्स भाई मेरे पीछे खड़े हैं, ये वो पॉइंट है जो अक्सर लोग नथिया गली यूपी आते हैं तो सबसे पहले ये पॉइंट उन्हें मिलता है और इसी पॉइंट पर खड़े हो गए अक्सर पिक्स और फोटोग्राफी और वीडियोज़ वगैरह भी बनाते हैं। तो आज आपको मैं पॉइंट वो भी दिखा देता हूँ, वो पॉइंट कौन सा है तो ले आए जी आप अगर थोड़ा सा आगे कैमरे में और ये इनको फ्रंट यहाँ से व्यू दिखा दें, बल्कि मुझे दे दें। ये है जी व्यू, ये देखें दूर तलक जिस व्यू की वजह से लोग यहाँ पे खड़े होते हैं आते हैं, ये वो जगह है और इस जगह से ये नीचे आप देखें कितनी गहराई है, आपको वहाँ पे जाना होता है और वो नीचे जहाँ पे घर बने हैं वहाँ पे तक तो और भी ज़्यादा गहराई हो जाती है। और साथ में ये ऊपर सारे व्यू और ये बादल, कहीं धूप कहीं बादल और ये बारिश का इम्कान भी ये लेके आ रहे हैं और ये ऊपर पहाड़ी साथ रहेगी पता नहीं कब तक, अब तो पहाड़ियां ही हमारे साथ रहेंगी। और ये रोड है आगे यूबिया नथिया गली की तरफ, हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। अच्छा लोकल एक और बता दूं मैं, लोकल बस देखें जा रही है यूबिया नथिया गली वाली, आप अगर इसमें ट्राई करें तो आई थिंक यू विल गेट यूबिया नथिया गली सुन। तो ये भी इंशाल्लाह इसमें भी आप ट्राई करके देख लें, वैसे कोच आती हैं और मैं कोई अगर कोच अब अगर मुझे मेरे रास्ते में कहीं आए तो मैं किसी से पूछ भी लूँगा तो क्या पिंडी इस्लामाबाद जो लोग हैं वो क्या यहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो कोच आए तो ज़रूर पूछेंगे। और ये है आपका मंज़र और आपका व्यू जो यहाँ से अक्सर लोग देखते हैं, यहाँ पर खड़े होते हैं और इसको बनाते हैं, ये है वो मज़े का दरख्त से भरा हुआ व्यू। तो चलें आगे की तरफ निकलते हैं। ये है कुत्ता गली, मैं पहले मेरी एक वीडियो भी यहाँ पे है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे अक्सर जो है वो ग्लव्स और कैप्स वगैरह भी यहीं पे पड़े होते थे और बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है और सामने जंगल तक मैं गया था। तो ये वो कुत्ता गली है, घोड़े यहाँ पर हैं और शॉल्स, लोग आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं। आगे आपको बंदर भी दिखाऊँगा मैं, बंदर भी हैं आगे तो वो भी आपको दिखाएँगे कि वो कहाँ पर हैं, वो भी आप देखेंगे यहीं पर तो बंदर कहाँ पे हैं। बंदर ये है जी, धुंध में एहतियात से ड्राइविंग करें और बंदर ये हैं जी आपके सामने बहुत ज़्यादा गठे हुए हैं, ये कार के पास है बंदर, ये हैं बंदर सारे, ये घोड़े और ये भी हैं जी, और ये रोड बहुत कम लोग आ रहे हैं, वो जो बात है पिंडी इस्लामाबाद वाली, लेकिन वहाँ से ज़्यादा मरी में क्राउड बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूबिया नथिया गली, मरी में बहुत ज़्यादा क्राउड है और लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में आते हैं, लेकिन ये जो है दूसरे प्रोवेंस में जब आप जा रहे हो केपीके में जा रहे हो तो आई थिंक यहाँ पर ज़्यादा सख्ती है क्योंकि लोग नहीं आ रहे, बहुत कम, मैंने 2-3 कार्स अगर मैंने देखी हैं तो देखी हैं अभी तक अपने पूरे जो है जितना भी यहाँ तक मैं आ चुका हूँ। और बाकी बंदर ये रहे, तो यहाँ पर आना काफ़ी डिफ़िकल्ट है तो यहाँ पे वैसे आने की कोशिश ना करें, लेकिन अगर जो मरी आ जाते हैं वो अगर वहाँ से आगे आना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर ट्राई कर लें क्योंकि कितना 9 किलोमीटर है सनी कहाँ से, कुलडन्ना से
9 किलोमीटर आगे बाड़ियाँ, तो आप ज़रूर ट्राई कर लें। लेकिन जो लोग स्पेशली यहाँ पे यूबिया नथिया गली आना चाहते हैं तो वो यहाँ पे ना आएँ, ट्राई ना करें, क्योंकि जाहिर सी बात है डिफ़िकल्ट होगा आप लोगों के लिए भी यहाँ तक आना। और ये नीचे आप देखें, इस टाइम हम लोग जो है ना इस टाइम ऊँची पहाड़ी पर हैं, और ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सारी जगहें जो हैं वो हमसे यहाँ पर अभी नीचे हैं। और ये बंदर भाई साहब, यह देखें ना, ओ हेलो मिस्टर, नहीं सुनते भैया, इनकी एक अपनी ज़बान है। इंतहाई इस टाइम जो वेदर है इंतहाई ख़ूबसूरत और शानदार वेदर है, हवा चल रही है और धूप नहीं रही, अब धूप चली गई, बादल ऊपर, अब वो आपस में कॉन्स्पेरेसी कर रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी रेनिंग होनी चाहिए, जाहिर सी बात है द नीड ऑफ द टाइम है जो है ना। तो बंदर तो हर जगह है यहाँ पर, लेकिन ये बेचारे भी आजकल भूखे होते होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो खाते पीते थे वो जंगल में भी इनकी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो आवाम आती थी, जो क्राउड, जो टूरिस्ट आते थे, उनकी वजह से इन बंदरों का भी निज़ाम चल रहा होता था। आज देखें काफ़ी तादाद में बाहर बेचारे रोड्स पे हैं, वरना इतने नहीं होते थे, खा पी के निकल जाया करते थे, तो आज हैं बेचारे यहाँ पे, क्या किया जाए अब इनके लिए। लेकिन घोड़े वगैरह अभी भी आगे हैं, निज़ाम चल रहा है इनका, तभी तो यहाँ पर खड़े हैं। तो नहीं है वो वाली बातें नहीं हैं यूबिया नथिया गली की, वो क्राउड नहीं है, वो अब सीन नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग हैं, 3-4 कुछ मैं आई थिंक शायद कोई प्राइवेट गाड़ियों में आ रहे होंगे, बहुत कम जो 2-3-4 आ रहे हों, बाकी हो सकता है कोई पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट पे भी हो सकता है आ रहे हों, लेकिन बहुत कम लोग हैं। इतने तो इमेजिनेबल भी नहीं है कि बंदा इमेजिन भी करेगा यार, इतने 8-10 लोग तो होने चाहिए, इतने नहीं है, लोग बहुत कम हैं, आवाम का रश नहीं है, क्राउड नहीं है, जाहिर सी बात है छोड़ ही नहीं रहे तो कहाँ से रश और क्राउड होना है। कुजा गली आ चुकी है जी ये, इसकी आप हाइट चेक करें जी, 7,750 फीट इसकी हाइट है जिस टाइम अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, 7,750 फीट से यहाँ पे, और यहीं से आगे आपकी जो है वो अयूबिया जी। हाँ ये वो जगह है, देखें पीछे गाड़ी तो नहीं है, सुजुकी है जी, दूर है, दूर है, तो ये अयूबिया की तरफ हम लोग जी, ये आपके सामने है बोर्ड, ये आगे हम लोग अयूबिया की तरफ, इस रोड पे अभी हम लोग आगे जाएंगे तो आपको यूबिया के बारे में अपडेट्स मिलेंगी कि अभी आगे का सिस्टम है पार्क्स वगैरह का। तो चलें आगे चलते हैं, देन फिर हम लोग नीचे जाएंगे तो हमारी नथिया गली की तरफ हम लोग चले जाएंगे, तो अभी आगे चल रहे हैं। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं जी यूबिया, ये यूबिया का बाज़ार है जो बिल्कुल सुनसान है इस टाइम आपके सामने है, जाहिर सी बात है क्राउड है नहीं, लोग है नहीं है, तो अब सेम थिंग जो पहले मार रोड के साथ होती थी कि क्राउड होगा तो ओपन होगा, अब कोई कहेगी जी ये बंद है तो ये ऐसा इशू नहीं है, बल्कि क्राउड ही नहीं है, क्राउड नहीं है तो ये चीज़ ओपन कैसे होगी। ये है बाजार यहाँ का, अच्छा जी हम लोग पहुंच चुके हैं यूबिया में, लिफ्ट बंद है, कहाँ पे है ये, यहाँ पे ये बाज़ार की दुकानें भी 2-3 दुकानें जो हैं खुली हैं, खुली हैं, हम लोग अभी ऊपर जाएंगे, ड्रैगन, ये रहा आपका ड्रैगन, ये भी बंद है, सिस्टम सारा यहाँ पे बंद किया हुआ है। एक दो गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँची हैं, आई डोंट नो हाउ, तो बाकी कुछ नहीं है, और होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स भी जो हैं वो भी बंद हैं, और क्राउड भी नहीं है, बस हम लोग हैं और 2-3 फैमिलीज़ हैं जो और हैं। मामलात से अंजान तो ये है जी आपको अपडेट अयूबिया की, आपके सामने है कि क्राउड नहीं है, लोग नहीं आ रहे, बिकॉज दे कैंट मैनेज टू कम हियर, प्रॉब्लम है
रास्ते में बैरियर्स हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, उनके लिए प्रॉब्लम है। बाकी लिफ्ट जो है इसकी भी रिपेयरिंग हो रही है, तो यह है कि शॉप खुली और बाकी ये रही लिफ्ट, ये भाई साहब इनकी रिपेयरिंग कर रहे हैं और कोई क्राउड नहीं है यहाँ पे। हम लोग हैं और एक दो फैमिलीज और हैं बस, वो भी यहाँ रही ऊपर। बाकी लिफ्ट ये बंद, ये रही आपकी लिफ्ट और क्राउड भी कोई नहीं है। तो बस वैसे चक्कर दोस्तों की फरमाइश पे, कुछ नहीं है यहाँ। और आगे अभी जाएंगे नथिया गली की तरफ और नथिया गली का भी हम लोग कंफर्म कर लेंगे कि वहाँ पे लोग गए हैं कि नहीं गए, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं आए तो आगे जाके क्या करेंगे। पॉइंट तो है मेरी बात में, लेकिन कोई इशू नहीं है, चेक कर लेंगे उसका भी, कोई इशू नहीं, जाएँगे वहाँ पर इंशाल्लाह। तो जुनीद भाई क्या कहते हैं, फिर कहाँ जाएँ हम लोग? अब यहाँ पे हम लोग आपको क्या दिखाएं, आप ही मुझे बताएं। लोग हैं नहीं है, शॉप्स बंद हैं, लिफ्ट बंद है, दिखाने लायक चीज़ क्या है यहाँ पे जो आपको दिखाई जाए? तो आई डोंट थिंक सो। जुनेद भाई थके तो नहीं आप? ना 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 ना, ना काका हजे मैं नहीं थकिया। ना ना आ जल्दी पहुँच गए जी। टाइम क्या हुआ जुनेद भैया? 12:30। 12:30 जल्दी पहुंच गए भाई। अब अगर हम 1 बजे तक यूबिया पहुंच जाएंगे और फिर 1 बजे यूबिया नथिया गली, अयो सॉरी नथिया गली। अच्छा जी, वो लोग ऊपर थोड़े बहुत हैं, एक दो बस, कुछ नहीं है भाई। ये यहाँ पे बंदे तो ढूंढ नहीं सकते हम लोग, अब बंदे ढूंढने वाली बात रह गई यहाँ पे। ये हालात हो गए कि बंदे ढूंढे हम लोग यहाँ, उसके बंदे कहाँ पे? एक शॉप दो शॉप बस। जुनेद भाई ग्लासेस लेनी है आपने? नहीं आपने लेनी है? आपने लेनी है बस, फिर ले रखे बंद, ड्रैगन भी बंद। हो हो होटल अल अज़ीम। नहीं है जी। अच्छा ये होटल ओपन है जी अल अज़ीम, ये रेस्टोरेंट नहीं है बल्कि रूम्स वाला होटल है, ये भी ओपन है, लेकिन बाकी कुछ नहीं है। लिफ्ट सारी बंद, आप कहाँ पे जाएं? लोग नहीं हैं, बस यही हैं जो यहाँ पे बाज़ार में आपको नज़र आ रहा है, बाकी आई थिंक बस नहीं पहुंच ही नहीं पा रहे, बिल्कुल वो मैनेज ही नहीं कर पा रहे यहाँ पे आना। रास्ते में आपको पता सिक्योरिटी है सारा कुछ, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो क्या कहते हैं फिर, नथिया गली की एक ट्रिप हो जाए। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा जो दिन का खाना है उससे पहले पहले जो है ना नथिया गली की भी ट्रिप हो जाए, और वहीं पर अगर हम लोग मैनेज कर पाएँ खाने को तो उधर ही कर लेते हैं। अच्छा जी हम लोग निकल रहे हैं अब नथिया गली की तरफ, तो वहीं पे जाके वहाँ की कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे तो मैं बंदे ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ भाई, मुझे बंदे ही नहीं मिल रहे यहाँ पे, और चीज़ें जितनी भी चीज़ें आपके सामने हैं सारा कुछ बंद। तो निकलते हैं फिर आगे की तरफ। ये हम लोग जी अभी अयूबिया जो चौक है उस जगह पर खड़े हैं, और यहाँ से नीचे भी जो है वो नथिया गली की रोड है, तो इसी तरफ हम लोग जा रहे हैं।
ये ऊपर बोर्ड है जी अयूबिया, ये अभी हम लोग अयूबिया में थे जी, लिफ्ट की तरफ जगा रहे थे, हानसपुर भी इसी तरफ है। अभी जो है हम लोग जाएंगे नथिया गली की तरफ, और कैमरा जो है वो मोबाइल पर है, जो हो गया ना मैं जुनेद भाई हेलमेट आप पहने, आप सिर्फ उसको पकड़ के उतना ही। तो ये हो गया हमारा टर्न नीचे की तरफ, ये हमारे आगे भी भाई साहब जगह है। अब नथिया गली की तरफ हम लोग जा रहे हैं, हमारा जो है हर रास्ता अब नथिया गली आ गई है, उस तरफ हम लोग जाएंगे। अयूबिया तो आप देख चुके हैं, आगे रोड की जो कंडीशन है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी खड़ा गली की रोड थी और खैरा गली और जो उससे पीछे थी शांगला गली से पीछे, अब जो आगे है वो रोड अच्छी है। और यही एक गाड़ी हम लोग हैं अयूबिया की तरफ से हम लोग आए हैं, तो हमारी एक ही बाइक ही था हमारा, और अभी भी आप देख सकते हैं हमारे आगे एक ही गाड़ी गई है, वो भी अभी भी आई है। ये खूबसूरत फूल, अच्छा ये नज़ारे मज़ीद खूबसूरत हो सकते हैं अगर मैं इनको एक और तरीके से बताऊं। मैं आपको बताऊंगा ग्लासेस के आगे, मैं इनके आगे ग्लासेस रख के मैं आपको दिखाऊंगा कैमरे के फिर आप देखेंगे ये मज़ीद ज़्यादा खूबसूरत लगने शुरू हो जाता है। ये बंदर अल्लाह अकबर, ये आप देखें जी, ये बंदर है जिनेद पे जरा पकड़े, तो ये हैं जी अभी हम लोग पूरे छाल मारे नथिया गली के पास ही हैं। क्या बात है, यहाँ पे खूबसूरत जो है वो एक व्यू था, मैंने सोचा आप दोस्तों से मैं शेयर करता चलूँ। नथिया गली अभी नहीं पहुँची हम लोग, लेकिन आगे ही है, तकरीबन 2-3 मिनट के रास्ते पे आगे ही है आगे, और ये सामने है और ये है वो व्यू, और सामने ही नथिया गली भी है। और ये नथिया गली का जो है एक खूबसूरत सा गाँव है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, एक इंतहाई खूबसूरत सा पॉइंट भी है यहाँ पर। ये आपकी रोड है जहाँ से आप लोग जाएँगे, और ये वो टॉल ट्रीज़ सेम, और ये आपके पास आ गया जी पूरा वो व्यू जो नथिया गली का है, एक गांव का व्यू है आपको मैं दिखा रहा हूँ रोड के ऊपर खड़े होके। यहाँ पे पिक्स होनी चाहिए, जुनेद भाई कह रहे हैं यहाँ पे पिक्स होनी चाहिए, तो वो भी बना लेते हैं। और ये पीछे रोड और ये मोड़, और साथ में एक ये तो जुनेद भाई हैं, इन्हें तो आप जानते हैं। तो ये रही पीछे आपका एक खूबसूरत सा मंजर, एक खूबसूरत सा व्यू आपके पीछे, जुनेद भाई की पिक्स बन चुकी हैं, अब आप इस व्यू को देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत व्यू है यहाँ पर। और इसके साथ साथ जो है वो ये टॉल ट्रीज, चलें हम लोग आगे रखते सफ़र बांधते हैं, और फिर हम लोग वो सामने कहाँ पे रोड, यहाँ पे कहीं रोड है ये इस तरफ हमने जाना है, यहाँ 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 पे इधर आएगी आगे आपकी नथिया गली, तो वहाँ से घूमते हैं, वहाँ पे चेक करेंगे, वहाँ की अपडेट्स आपको देते हैं, फिर चलें उस तरफ निकलते हैं आगे। ये यहाँ पे घोड़े
फरीदाबाद तोहीन आबाद फरीदाबाद कुछ नहीं है। एहतियात आगे स्कूल है जी जी आगे स्कूल है। हमने सोचा था आगे लैंड स्लाइडिंग है लेकिन ये तो नहीं आगे नहीं स्कूल है ये स्कूल है। ये स्कूल का नाम क्या है जी? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तोहीदाबाद। गुड। ये बाहर तो लिखा मैं नौकर साहब आता मैंने कहा शायद स्कूल का नाम है। ये जगह आगे खूबसूरत समझते हैं। यहाँ पे ये सारी जगह जितनी भी है बड़ी ही प्यारी जगह है और सारे पहाड़ सिर्फ घूमने लायक हैं। वैसे यहाँ पे दरख्त गिर जाते हैं पत्थर गिरते रहते हैं यहाँ पे ख़तरे से खाली भी नहीं है ये जगह। लेकिन ये है कि आँखों को लुभाने वाली जगह है एंजॉय करने वाली जगह घूमने फिरने की जगह ठीक है। डोंट मूव टू फास्ट। इंतज़ार है आगे एक चश्मा भी है यहाँ पे इंतज़ार में तो लोग नहीं आते पता नहीं कौन सी जगह पे है। एक पहाड़ है उस पहाड़ के नीचे जो है आप लोगों ने कुछ देखा होगा। अब हम लोग जा रहे हैं नथिया गली की तरफ लेकिन रास्ते में मेरी नज़र उस पहाड़ की तरफ है उस चश्मे की तरफ है। बड़ी खूबसूरत जगह है एक ब्रिज है उस ब्रिज के पीछे है। हम लोग वहाँ पर भी जाएँगे वो जगह भी देखेंगे वो भी बड़ी मज़े की जगह है। ऐसे ही आगे रह गया है अयूबिया सॉरी नथिया गली। यहाँ एक खूबसूरत सी वादी थी मैंने सोचा आप दोस्तों से मैं शेयर कर दूँ ये वादी भी। ये हमारी रोड है जी और ये आगे ही वो चश्मा है जहाँ तक गाड़ियाँ खड़ी हैं जो मैं चश्मे की बात कर रहा था वो भी आपको दिखाऊँगा मैं आगे है। और ये पहाड़ी आसमान जी ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ नथिया गली की और ये मैं और ये जुनेद भाई और ये यहाँ से नीचे देखें जी ये खाई है एक बहुत बड़ी खाई है जो वहाँ से आई है और फिर यहाँ पे गई है और ये इस तरह नीचे और ये और इस जंगल भरे पूरे इलाके में वो नीचे वादी खूबसूरत वादी बिल्कुल नीचे की तरफ आपको नज़र आ रही होगी। बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा सा मंज़र है और स्पेशली जहाँ जहाँ घर हैं धूप भी वहीं पे लग रही है जब घर ख़त्म हो रहे हैं तो धूप भी ख़त्म हो रही है। तो ये वादी मैंने सोचा आपसे शेयर करता चलूँ मैं और सफ़र अभी हमारा जारी है उस चश्मे की तरफ भी हम लोग चलते हैं थोड़ी सी रेस्ट भी ताकि हो जाए हमें भी। चढ़ाई बहुत ज़्यादा है बाकी इशू कोई नहीं है चढ़ाई बहुत ज़्यादा बंदा थोड़ा सा थक जाता है चढ़ाई पे। तो चलें निकलते हैं आगे के लिए। तो ये रहा वो चश्मा जिसका मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था ये पहाड़ों के दरमियान में बड़ा ही ठंडा और मीठा पानी है यहाँ का पहाड़ों के दरमियान में और वहाँ से आता है ये डायरेक्ट पाइप के ज़रिए यहाँ पर और यहाँ पर जुनेद भाई को ये मिला पीने के लिए और वापस ये गाड़ी नहीं मैं नहीं पी रहा मैं नहीं पी रहा। बड़ा ही ठंडा और खूबसूरत पानी जी मैंने बोतल भर के रख ली है काम आ जाएगा आगे आगे पी लूँगा अभी प्यास नहीं है पानी से है। पानी कैसा है मज़े का पानी है ना ठंडा बहुत अच्छा पानी चश्मे का और देखिए ना पहाड़ों में से आ रहा है बीच में से। अब यहाँ पे कोई और सोर्स तो है नहीं है पानी का तो ये पहाड़ों में से आ रहा है और बड़ी खूबसूरत जगह है यहाँ पर ये पहाड़ भी आप देखें। चलें फिर नेक्स्ट ये बादल निकलते हैं हो सकता है बारिश भी हो जाए तो नथिया गली फौरन पहुंचते हैं हम लोग फिर खाने का कोई कुछ बंदोबस्त करेंगे। हो गया चले जी हम लोग जो है वो नथिया गली पहुंच चुके हैं। ये नथिया गली का बाज़ार है और ये है नथिया गली। तो एक पूरा आगे से ट्रिप लगा लेते हैं नथिया गली का आप लोगों के लिए उसके बाद जो है हम लोग कुछ खाने वगैरह का भी करते हैं भूख लगी हमें नथिया गली हो जाए। गाड़ियाँ हैं यहाँ पे आई थिंक लोग आए हैं इधर हो सकता है एफ्टर बाद वाली साइड से आए हों उधर से लोग आए हों क्योंकि इस तरफ से तो बहुत कम आए हैं। तो बाकी बाज़ार खुला है होटल्स खुले हैं लेकिन सारा बाज़ार नहीं खुला जाहिर सी बात है सैटरडे एंड संडे है ये बात आपने याद रखनी है कि ये दो दिन लॉकडाउन होता है। ये रहे होटल्स
पहले एक कंडीशन है आपके सामने जी, अच्छा गली। अब हम लोग ये बाइक पार्क करते हैं, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं आप लोगों से। और होटल्स अभी चेक करते हैं, कुछ ओपन हैं, वो सामने होटल एक ओपन है तो वहीं पर बाइक लगाते हैं कहीं पर और खाना वगैरह खा लेते हैं इधर ही बस। अच्छा खाना तो हम लोगों ने खा लिया, लेकिन यहाँ पे ये मसला है कि रेस्टोरेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पे नहीं है। एक छोटा सा जो है वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे खाना खाने के लिए हमें जाना पड़ा, बाकी यहाँ पे कोई भी नहीं है। आई थिंक या तो सैटरडे संडे की वजह से ये सिस्टम हुआ है, तो या फिर यहाँ पे वो है ही बंद है क्योंकि इधर लोग नहीं है, क्राउड नहीं है। एक ये छोटी सी आगे है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ समोसे मिलते हैं बस, तो समोसे मिलते हैं, बिस्किट वगैरह मिलते हैं। और अगर खाना वगैरह खाना हो तो आपके लिए कोई यहाँ पर होटल नहीं ओपन, एक छोटा सा ढाबा था वो ओपन था बस, और कुछ खास नहीं है। और ये बाज़ार भी आज बंद ही है। हाँ गाड़ियाँ वगैरह ये शायद लोकल ही गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पे खड़ी हैं, क्यों लोग तो इतने हैं नहीं है यहाँ पे, और बाज़ार भी बंद है, तो फिर जाहिर सी बात है। कैसे हुए ये क्या है, किसी को गाड़ी तो नहीं है। सो दोस्तों ये थी नथिया गली और नथिया गली का बाज़ार जो आज बंद है तकरीबन, और होटल्स भी यहाँ पे वो बंद ही हैं, या तो हफ्ता इतवार की वजह से है या फिर नॉर्मली ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास जो है वो हमें देखने को नहीं मिला। ऐसे बाज़ार भी इतना ज़्यादा ओपन नहीं है, एक छोटा सा हमें ढाबा मिला रोटी खाने के लिए, वो यानी कि यहाँ पे होटल्स भी नहीं है कि आप यहाँ पे आके खाना वगैरह खा सकें। तो यहाँ पे कोई रश क्राउड कुछ भी नहीं है। माल रोड इससे जो है ना, वो माल रोड जो मरी है वो इससे 100 times जो है बेटर है। वहाँ पे क्राउड भी है, रश भी है, होटल्स भी ओपन है, शॉप्स भी ओपन है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है एक माहौल एक महफिल सजी हुई है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो भी सिचुएशन है वो आपके सामने है। तो सो यहीं तक हमें आना था, अब हमारे और भी हमें कहीं जाना है। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह आप देखेंगे मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस जो हम लोग ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे जितने भी एरियाज़ हैं जो बेस्ट एंड बेस्ट प्लेसेस हैं, हम लोग वहीं पे जाएंगे। तो तब तक के लिए आप जो है ना मुझे और जुनेद भाई को जो है वो इजाज़त देंगे, तो अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे। और अपने कुछ एक भाई थे वो यूबिया या नथिया गली के, वो कह रहे थे कि मेरा ये अबाई गाँव है, तो उनका अबाई गाँव भी यहीं पर है, तो वो उन्होंने भी शायद हो सकता है, होप कि वो भी इसे देखेंगे, ज़रूर इंजॉय करेंगे। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और मज़ीद जहाँ कहीं भी जो है वो आपको अपडेट्स चाहिए मरी के रिलेटेड, गलियात रिलेटेड, आप लोग वो भी हमें बताएंगे इंशाल्लाह, उधर भी हम लोग जाएंगे। तो जो मेरे माइंड में है मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, और जो आप लोगों के माइंड में है वो भी आप बताएँगे, तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी जाएँगे। तो अपना बहुत सा ख्याल, नए आने वाले दोस्तों को वेलकम, और स्टे ट्यून्ड विद अस, ताकि आपको मरी से रिलेटेड इस पूरी गलियात नथिया गली यूबिया जितनी भी अपडेट्स हैं वो इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी, और वो डेली बेसिस पे इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफिज़।